नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे हार्दिक पटेल से। जी हां, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरे, जो काफी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना ये बताता है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से कितना नाराज चल रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में लगातार सरगर्मियां तो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हार्दिक पटेल पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हार्दिक पटेल का एक बयान सामने आया सीधे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को लेकर, कांग्रेस पार्टी की कमेटी को लेकर निशाना साधा और राहुल, प्रियंका और सोनिया पर भी नाराज दिखते नजर आए। दरअसल हार्दिक पटेल बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और माना जा रहा था कि हार्दिक पटेल की कांग्रेस से जिस तरह की नाराजगी है, उसके बाद हार्दिक पटेल कभी भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते, और आखिरकार हुआ वही। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हार्दिक पटेल को दरकिनार किया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ने लगी। अब हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन जिस तरह उन्हें साइडलाइन किया गया, उसके बाद से हार्दिक पटेल ने फौरन BJP की तरफ रुख किया। उनके गले में एक भगवा कलर का गमछा देखा गया है और उन्होंने अपने व्हाट्सएप की जो DP है उस पर वो फोटो लगाई है। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की जो DP लगाई है, उसमें सीधे तौर पर ये माना गया कि हार्दिक पटेल ने बेहद बड़े अंतर से काम करने की कोशिश की है। दरअसल हार्दिक पटेल कांग्रेस से नाराज क्यों चल रहे थे और क्या हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा? जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपको ये विस्तार से दिखाएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे अपने खबर में कि हार्दिक पटेल का कितना बड़ा दबदबा गुजरात में था। दरअसल हार्दिक पटेल पटेल समुदाय से आते हैं और पटेलों का बड़ा दबदबा गुजरात में देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी में युवाओं के तौर पर हार्दिक पटेल को रखा जा रहा था। जिस तरह से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, राहुल, प्रियंका और सोनिया से नाराज चल रहे थे, तो उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। हालांकि इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से सियासी हालात देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने बहुत कुछ अलग होता नजर आ रहा है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने लड़ाइयां चल रही है, इसका बड़ा फर्क गुजरात चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है। फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस तरह मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं, इसका सीधे तौर पर मतलब यही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को शायद गुजरात में बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कुछ देखिए, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर जो ऐलान किया और जिस तरह से उन्होंने अपने गले में भगवा गमछा धारण किया, उसके बाद देखिए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत बड़ी बातें की। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनका यह कहना है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार होगी और यह भी बताया कि कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हार्दिक पटेल को दरकिनार किया, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं था। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बना रहे। सवाल यह भी बनता है कि क्या प्रशांत किशोर के इशारे पर हार्दिक पटेल को गुजरात से हटाया गया, क्योंकि हार्दिक पटेल की जगह एक नए जो है युवा नेता को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाई मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति है, वो सीधे तौर पर यह बताती है कि हार्दिक पटेल को साइडलाइन करने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम कर रही है। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था और हाल ही में कुछ वक्त पहले जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे। तो ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के जो हालात है, मौजूदा समय की जो स्थितियां, वो सीधे तौर पर ये इशारा करती है कि आने वाले समय में बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को शायद उठाना पड़ सकता है। लेकिन हार्दिक पटेल ने एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरह का कदम उठाया, उससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा। देखिए, इधर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने का मन बनाया, उधर लगातार सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बैठक हुई, इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। ये माना गया कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के साथ में
सचिन पायलट की भी मौजूदगी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति सीधे तौर पर यह इशारा करती है कि सचिन पायलट, जी हाँ सचिन पायलट जैसे जो नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बुलाया, कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी पार्टी के साथ जुड़ते नजर आए, तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय की स्थिति जो है वो बहुत बड़े हद तक बदलाव कर रही थी। लेकिन फिलहाल में ये माना जा रहा है कि जिस तरह हार्दिक पटेल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, जिस तरह वो अलग होते नजर आए, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं। देखिए एक तो वैसे ही पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की लगातार स्थिति कमजोर पड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी की लगातार पड़ रही कमजोर स्थिति का बड़ा खामियाजा पार्टी को उठाना भी पड़ सकता है। और इन सब के बीच देखिए ये भी देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, और जिनमें बड़े बड़े चेहरे थे, आरपीएन सिंह जैसे नेता, आदित्य सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पहले चले गए थे। तो ऐसे में देखा गया कि पांचों राज्यों में कांग्रेस को जो झटका लगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कितना सबक लिया, कांग्रेस पार्टी ने कितना जो है चीजों को एनालाइज किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस तरह टूट रही है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के चुनाव को जीत पाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी आगामी समय के चुनाव को लेकर जो रणनीति बना रही है उसमें बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का काम कर रही है या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चीजों को लेती नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा, माना जा रहा कि शायद बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल हाल फिलहाल में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, हाल फिलहाल में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो ये जो माहौल है वो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आने वाले समय में जो है वो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीतियां बना रहे हैं, प्रशांत किशोर की रणनीति बनाने से कांग्रेस पार्टी को फायदा तो हो रहा है, लेकिन देखिए क्या हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद पटेल समुदाय का वोट बढ़ जाएगा, क्या पटेल समुदाय के वोट अगर बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में देखिए एक एक वोट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि अगर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलेगा तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए अगर बड़ी रणनीति बना रही है तो ऐसे में पार्टी के सभी नेताओं को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है और क्या प्रशांत किशोर के इशारे पर ही जो है हार्दिक पटेल को हटाया गया है, ये भी एक अपने आप में सवाल खड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार एक के बाद एक जो मीटिंग्स हो रही है, कांग्रेस पार्टी में लगातार एक के बाद एक जो बदलाव हो रहा है, और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि भाई हार्दिक पटेल के आने के बाद, हार्दिक पटेल के कांग्रेस से हटने के बाद से गुजरात में अंदर खाने लड़ाइयां चल रही हैं। और क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे गुजरात में जो हार्दिक पटेल को बड़ा समर्थन करते थे और हार्दिक पटेल के साथ खड़े रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद हार्दिक पटेल का कांग्रेस से अलग होना वो भी इस टाइम पे ये कांग्रेस के लिए सही नहीं है। कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कैसे ठीक करती है, कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट करती है, तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन पांचों राज्यों में चुनावी हार के बाद अगर गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी को झटका लगता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं रहेगी। हालांकि मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से स्थितियां बन रही है, वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही दिखती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी चीजें बेहतर बनती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को लगातार सुधारने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह का काम कर रही है समझ लीजिए कि वाकई पार्टी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों में जिस तरह चुनाव आ रही गुजरात हिमाचल में आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ऐसा इस तरह का दावा कर रहे हैं कि पांचों राज्यों में चुनावी हार से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल में काम करेगी। और जिस कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष को भारी पड़ जाए। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, खरगोश और कछुए की जो रेस हुई थी, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है ये सभी लोग जानते हैं, और खरगोश और कछुए की जब रेस होती है तो खरगोश के अंदर आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा था, बहुत तेज तेज वो दौड़ता है और एक बार बीच में जाकर वो थक जाता है और सो जाता है। लेकिन कछुआ देखिए अपनी चाल छोड़ता नहीं है, कछुआ भले ही धीमे चल रहा था लेकिन उसने धीमे धीमे अपनी चाल चलते हुए आखिरकार रेस को जीत ली, और कछुए का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो वहीं पर धाराशाही हो गया। तो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस लेकर चल रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह धीमी धीमी चाल चल रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की इसी धीमी चाल का बड़ा फायदा
कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह लगातार बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, पार्टी में लगातार जिस तरह से मीटिंग हो रही है, ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भले ही अभी धीमी चाल चल रही है, लेकिन यही धीमी चाल उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगी। 2024 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इसका सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि शायद बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को जरूर उठाना पड़ सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कांग्रेस के लिए कितनी बेहतर साबित होती है ये वक्त तय करेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।